आज जो है हम अपने चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की ही एप्लीकेशन है, जिसका नाम है द बॉर्न हाबर साइकिल। इस साइकिल के ऊपर हमने बेसिकली हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की मदद से कुछ वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी हैं। हेसेस लॉ क्या था, हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था, वो ये था कि आपके पास साइक्लिक प्रोसेस की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, या उसका सम जो होता है वो ज़ीरो होता है। ये हम सारी बातें प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के आए हैं। द बोर्न हाबर साइकिल जो है, इसके अंदर हमने बेसिकली लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। लैटिस एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो के रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लैटिस। होता क्या है कि आपके पास जो सोडियम एंड क्लोरीन के आयन हैं वो मिलके NaCl सॉलिड जो है वो बना देते हैं। तो ये जो सॉलिड NaCl बनेगा, क्रिस्टल बनेगा, वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी। अब होता क्या है, इस प्रोसेस को अगर हम सिंपलीफाई करके समझें तो वो ये है कि आपके पास जो है सोडियम है सॉलिड फॉर्म में, प्लस हाफ क्लोरीन गैस है जी सॉलिड फॉर्म में। ये जो है कन्वर्ट होगी Na पॉजिटिव ऑफ गैस प्लस Cl नेगेटिव ऑफ गैस, और जो एनर्जी है दैट इज डेल्टा एच एक्स। डेल्टा एच एक्स इज बेसिकली द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम देयर फिजिकल स्टेट्स, ये भी फिजिकल स्टेट्स में है, इनटू देयर आयंस, इनटू देयर गैसियस आयंस। तो ये डेल्टा एच एक्स है। अब एक प्रोसेस ये है, दूसरा प्रोसेस ये है कि ये ही एन ए क्लोरीन जो है ये मिलें आपस में और ये जो है एन ए सी एल बना दें सॉलिड, और ये क्या कहलाएगी, दिस विड बी कॉल्ड एज माइनस डेल्टा एच एफ, द फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ एन ए सी एल। और जो आपकी एन ए सी एल सॉलिड बननी है दैट इज दी, अब ये जो प्रोसेस है ये वाला, दिस इज दी डेल्टा एच नॉट एल, जो कि क्या है, लैटिस एनर्जी है कि आइंस जब मिलके सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे तो जो एनर्जी देंगे वो होगी लैटिस एनर्जी। सिमिलरली इस प्रोसेस में ये प्लस हो जाएगी और इस प्रोसेस में जो है ये प्लस में डेल्टा एच एफ आ जाएगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल साइकिल है जिसके अंदर सॉलिड और ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मिले और वो सॉलिड बन गया। एक प्रोसेस ये है और दूसरे प्रोसेसेस जो से हैं वो आपके पास ये वाले हैं। तो बेसिकली जो आपके पास यहाँ पर ओवरऑल इक्वेशन है इस कंडीशन के अंदर हेसेस लॉ की, वो हमारे पास है कि ये जो डेल्टा एच एफ है जो कि सॉलिड और गैस से डायरेक्ट बनने का प्रोसेस है, ये बराबर होगा डेल्टा एच एक्स के प्लस डेल्टा एच एल के। जो फॉर्मेशन ऑफ सॉल जो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम और क्लोरीन के अपने फिजिकल स्टेट में से लेके उनको क्रिस्टल बनने तक का जो अमल है वो दो स्टेप में होगा। पहले क्या होगा कि वो लोग अपने आयंस में आएंगे और फिर आयंस आपस में मिलके लैटिस बनाएंगे। तो बेसिकली दिस वन इज द, ये जो मैं अब
करने जा रहा हूँ, ये डायरेक्ट प्रोसेस है जो कि डेल्टा एच एफ है, ये दो प्रोसेस में कंप्लीट होगी। पहले में ये एटम्स जो से हैं ये बनेंगे अपने आयंस के अंदर, और जब ये आयंस बन जाएंगे तो फिर ये आयंस आपस में मिलेंगे और लैटिस एनर्जी को रिलीज करके ये चीज़ बनाएंगे। तो इस वजह से डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। तो हमारा जो इस बोर्न हाबर साइकिल को पढ़ने का मकसद है वो ये है कि हमने जो है इसको फाइंड आउट करना है लैटिस एनर्जी ऑफ एन ए सी एल को। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। तो आप अगर अपनी बुक को कंसल्ट करें तो आपके पास आपकी बुक में जो है वो एक साइकिल दिया हुआ है एनर्जी से रिलेटेड, उसको समझेंगे तो आपके पास पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो मुझे इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लिखने दें, डेल्टा एच नॉट एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच नॉट डेल्टा एच एक्स। अब डेल्टा एच एक्स जो है बेसिकली ये क्या होगा, इसके अंदर अगर आप रिकॉल करें तो एन ए सॉलिड प्लस हाफ सी एल टू गैस जो थी ये कन्वर्ट हुए थे एन ए पॉजिटिव के अंदर गैसियस फॉर्म में प्लस सी एल नेगेटिव के अंदर गैसियस फॉर्म में। तो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली चार डिफरेंट एनर्जीज जो सी हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि इसके अंदर दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। चार डिफरेंट एनर्जीज कैसे होंगी, दो प्रोसेसेस हैं सोडियम के दो और क्लोरीन के दो। वो प्रोसेसेस क्या हैं, नंबर वन प्रोसेस इज द एटमाइजेशन, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, और दूसरा प्रोसेस होगा सोडियम एंड क्लोरीन, और दूसरा प्रोसेस होगा आयनाइजेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। मैं कहता हूँ कि फिजिकल स्टेट में सोडियम था, इसको अपने आयन में जाना है गैसियस स्टेट में। तो पहला प्रोसेस होगा कि ये सॉलिड से गैस में जाए जो कि एटमाइजेशन होगी सोडियम की, और जब वो गैस में आ जाएगा तो फिर दूसरा प्रोसेस होगा कि वो गैस से जाए उसके आयन में, तो वो आयनाइजेशन हो जाएगी। इसी तरह क्लोरीन की हम बात करेंगे तो क्लोरीन पहले जाएगा गैस से अपने अलहदा एटम के अंदर, एटमाइजेशन होगी क्लोरीन की, और दूसरे प्रोसेस में क्लोरीन की आयनाइजेशन होगी। तो इस जो डेल्टा एच एक्स है दैट इज द सम ऑफ दीज फोर डिफरेंट एनर्जीज जो कि इस प्रोसेस में रिलीज होंगी। तो सबसे पहला प्रोसेस जौन सा है इसके अंदर आपके डायग्राम में वो है जी आपके पास एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। सोडियम की जो एटमाइजेशन है वो होनी है एन ए था सॉलिड में, ये गया एन ए गैस के अंदर, और जो एनर्जी इसने ली इन द फॉर्मेशन ऑफ द एन ए गैस एच ए एफ ऑफ एन ए वो थी जी 108 किलो जाउल पर मोल। ये हमारे पास उस डायग्राम से आई जो आपकी बुक में गिवन है। दूसरा प्रोसेस था इस एन ए जो ये बन गया इसकी अब आयनाइजेशन करनी है, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। इसके अंदर क्या हुआ, ये जो एन ए गैस बन गया था पहले प्रोसेस में, इसने अब क्या किया अपना एक आयन दिया और आपके पास जो है वो बन गया। तो ये इसकी जो सी एटमाइजेशन एनर्जी आएगी दैट इज़ 496 किलो जाउल पर मोल। ये दो प्रोसेसेस हो गए सोडियम के। अब हम दो प्रोसेसेस मज़ीद स्टडी करेंगे क्लोरीन के, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के केस में क्या होगा कि पहले वो उसका जो मॉलिक्यूल है वो टूट के वो आएगा गैसियस फॉर्म में। तो ये होगी इसकी एटमाइजेशन डेल्टा एच ए टी जो कि 121 किलो जाउल पर मोल है, वो भी हमारे पास उस इक्वेशन उस डायग्राम से आएगी। नंबर फोर इज दी आयनाइजेशन ऑफ क्लोरीन। आयनाइजेशन ऑफ क्लोरीन में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन का गैसियस फॉर्म बना था पहले स्टेप में, ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एक्सेप्ट करेगा और ये सी एल नेगेटिव बन जाएगा गैस। ये होगी आयनाइजेशन ऑफ
क्लोरीन, जिसको हम ई कह रहे हैं, डेल्टा एच ऑफ ई विच इज़ -349 किलो जाउल पर मोल, और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी होती है क्लोरीन की। तो जो पहला प्रोसेस था जिसके अंदर डेल्टा एच एक्स हमने फाइंड करना था, वो बेसिकली इन चार डिफरेंट प्रोसेसेस का सम होगा। तो यहाँ से हम डेल्टा एच एक्स की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। डेल्टा एच एक्स का रिएक्शन क्या था? डेल्टा एच एक्स का रिएक्शन ये था कि आपके पास एन ए था सॉलिड फॉर्म में, प्लस हाफ सी एल टू था मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो गए अपने गैसियस फॉर्म में और अपने आयंस में। तो इसके अंदर जो चार प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे वो क्या थे कि पहले सोडियम गैस में कन्वर्ट होगा सॉलिड से, और फिर उसकी आयनाइजेशन होगी, दो प्रोसेस ये। सिमिलरली क्लोरीन मॉलिक्यूल से गैस फॉर्म में आएगा और फिर उसकी आयनाइजेशन होगी, दो प्रोसेसेस ये। तो इसकी ओवरऑल डेल्टा एच एक्स थी। तो डेल्टा एच एक्स किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन ए प्लस डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ एन ए प्लस डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सी एल प्लस डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सी एल। ये जो चार हमने पिछली स्लाइड में लिखे, इन चारों का, ये जो चार थी वैल्यूज, दीज फोर वैल्यूज, इनका हम अब समेशन करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उनको अब अगर मैं इधर पुट करूं तो हमारे पास 108 एक वैल्यू थी, प्लस 496 दूसरी वैल्यू थी, प्लस 121 तीसरी वैल्यू थी, और प्लस -349 हमारे पास चौथी वैल्यू थी। इन सब को जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा एच एक्स का, जो कि क्या है, 376 किलो जाउल पर मोल। अब मैं वापस अपनी वही वाली डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। एन ए सॉलिड फॉर्म प्लस सी एल हाफ टू गैस फॉर्म, इसने जो मिलके डेल्टा एच एक्स दिया था वो क्या था कि गैस फॉर्म में पॉजिटिव आयन और गैस फॉर्म में नेगेटिव आयन। ये दोनों जोन से थे, ये बनाएगा क्रिस्टल लैटिस और ये डेल्टा एच एल को रिलीज करेगा, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। और दूसरा प्रोसेस है डायरेक्ट इसका कि ये डेल्टा एच एफ जो है फॉर्मेशन में क्या देता है। ये जो वैल्यू होती है ये भी आपके बुक में गिवन बोर्न हाबर साइकिल की डायग्राम से निकल आती है, जो कि है -411 किलो जाउल पर मोल, जो कि डायरेक्ट फॉर्मेशन है कि अगर हमारे पास अपनी फिजिकल स्टेट्स में सोडियम और क्लोरीन मौजूद हैं, वो जो क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, तो उनकी एनर्जी ये होगी। नाउ अब हम इस डायग्राम के ऊपर हेसिस लॉ अप्लाई करने की पोजीशन में हैं, क्योंकि हमने डेल्टा एच एक्स फाइंड कर ली है। इस लॉ के ऊपर जो है इक्वेशन जो लगती है वो है डेल्टा एच एफ, क्योंकि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है दिस वन, और ये स्टेप जो बराबर होगी इन टू स्टेप्स की समेशन के। तो डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल, ये इक्वेशन जो सी है अब हमारे पास मौजूद है। इसमें डेल्टा एच एक्स की वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा एच एफ की वैल्यू ये हमारे पास गिवन है, हम इसमें पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी किसकी, इसकी, इसकी लैटिस एनर्जी की। तो लैटिस एनर्जी ही हमने फाइंड करनी है। तो डेल्टा एच एल इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ए सी एल माइनस डेल्टा एच एक्स। अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू जो सी है वो पुट करेंगे। इक्वेशन वाज लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मेशन एनर्जी माइनस डेल्टा एच एक्स। अब डेल्टा एच नॉट एफ इज इक्वल टू -411 किलो जाउल पर मोल, एंड डेल्टा एच एक्स हमने उन चार एनर्जीज को एड अप करके निकाली थी, जो कि थी 376 किलो जाउल पर मोल। इन सब को उठा के मैं इधर अभी पुट करूँगा, डेल्टा एच एल इज इक्वल टू -411 माइनस जो इसकी वैल्यू है 376 किलो जाउल पर मोल। ये जो है
इस इक्वेशन में जब मैंने वैल्यूज पुट कर दी तो इनको अब मैं सम अप कर लूँगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -787 किलो जाउल पर मोल, विच इज़ दी लैटिस एनर्जी ऑफ, ये क्या है, ये है लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। तो हमने किया क्या था, बेसिकली Na सॉलिड और जो हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, इसने डायरेक्ट जो NaCl का सॉलिड क्रिस्टल बनाया उसने ली डेल्टा एच एफ। लेकिन ये दो स्टेप में कंप्लीट हुआ, पहले में ये एटमाइजेशन हुई और आयनाइजेशन हुई, और दूसरे दूसरे स्टेप में ये आपस में मिले और इन्होंने लैटिस एनर्जी रिलीज़ की और ये डेल्टा एच एक्स था। तो बेसिकली ये हमारा सिंगल स्टेप था वन, और ये जो टू स्टेप्स थे नंबर वन एंड नंबर टू। तो हमने लैटिस एनर्जी जो है वो फाइंड आउट की है यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ ऑफ हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन और थर्मोडायनामिक्स, इट इज़ कांस्टेंट हीट समेशन। तो ये हमारे पास जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने हेसेस लॉ की जो है वो एप्लीकेशन स्टडी की इन द बॉर्न हाबर साइकिल। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन ये निकला कि वी कैन फाइंड आउट द लैटिस एनर्जीज, किसी भी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जीज ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम दी हेसेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन। कोई भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आयनिक कंपाउंड हो तो आप उसकी लैटिस एनर्जी को हेसेस लॉ की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड बोर्न हैबर साइकिल वॉज दी एग्जाम्पल ऑफ इट। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है दैट इज़ कंक्लूडेड। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास कंक्लूड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये छोटा सा चैप्टर था कंपैरेटिवली टू द रिलेटेड बिफोर चैप्टर जो हमने पहले स्टडी किए हैं उनकी निस्बत ये खासा छोटा था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो उनसे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बिल्ड होने आपके आने वाली स्टडीज़ के लिए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा दैट इज़ अबाउट द इक्विलिब्रियम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और लेंथी चैप्टर है, उसको हम नेक्स्ट टाइम जो है वो स्टार्ट करेंगे। 7th चैप्टर तक आपकी केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आने वाले चैप्टर भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आपके पिछले 7 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अगर ग्रिप उन पे अच्छी होगी तो आने वाले चैप्टर्स जो उनसे हैं वो इतने मुश्किल नहीं रहेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक बेसिकली जो ज़्यादातर काम था वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थी। क्यों? क्योंकि हमने उनमें मोल पढ़ा, हमने उनमें सॉलिड्स लिक्विड्स गैस के बारे में पढ़ा, हमने एटम के स्ट्रक्चर पढ़े, स्पेक्ट्रम पढ़े, बॉन्ड पढ़े, बॉन्डिंग की थ्योरीज पढ़ी, ये सारा काम 1 से लेके 6 तक ज़रूरी था। अब जो आगे 7 से लेके 11 चैप्टर तक आपका प्रोसेस है उसमें इन सब कॉन्सेप्ट्स की बेस के ऊपर जो चीज़ें होंगी वही हम डिस्कस करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पहले 6 चैप्टर बहुत अच्छे तरह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आने वाले चैप्टर आर वेरी इजी फॉर यू। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है अपने चैप्टर नंबर 8 को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने चैप्टर नंबर 7 को ख़त्म करते हैं।